धर्मपत्नी के स्वर्गवास के बाद हम सब उनका दुख बांटने के लिए आए थे। नारायण सिंह जी हमारे ना सिर्फ अध्यक्ष रहे लेकिन परिवार की तरह हैं, तो उनके घर में दुख हुआ, हम सबको दुख को बांटने के लिए हम लोग आए, श्रद्धांजलि हमने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में जगह देगा उनकी धर्मपत्नी जी को। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयार होती है बांटने? देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1-1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं प्रशासन की, पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादा खिलाफी करी है, विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है, हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हुआ उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारे जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है बड़ी मजबूत है, अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट्स करी है, आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे, तो इंडिया अलायंस मजबूत है। और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 300 पार 500 पार, लेकिन वो चिंतित हैं कि धरातल पर स्थितियां अलग हैं, और इसीलिए वो एक एक करके कांग्रेस या बाकी विपक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें इतना आत्मविश्वास होता सीट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो काहे को वो अलग अलग नेताओं पर डोरे डालते और अपने साथ जोड़ते। सर, कई जनाधार वाले नेता हैं, उनको भी कांग्रेस से दूर किया है और अपने साथ शामिल किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला? मैंने कहा ना, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, ये लगभग हर चुनाव के पहले होता है, लेकिन ये चुनाव अलायंस का चुनाव है, NDA वर्सेस इंडिया अलायंस, हमारा अलायंस मजबूत है, सीट शेयरिंग हम लगभग फाइनल कर चुके हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए।